आम चुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र बनारस में चुनावी प्रचार के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं आपके रंग में रंगा रेस्टोरेंट दिख रहा है तो कहीं बीजेपी के कमल के फूल को महिलाएं अपने हाथों में रचा रही हैं। यह बीते दिनों की बात है जब चुनाव के नजदीक आते ही नेता और प्रत्याशी सिर्फ मतदाताओं को रिझाने के लिए हाथ जोड़े दर दर भटकते फिरते थे। वाराणसी के मतदाताओं की इस वक्त चांदी ही चांदी है। आपको लिए चलते हैं वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके के एक रेस्टोरेंट में, जो चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के रंग में रंग चुका है। व्यंजन परोसने वालों के सिर पर आपके ट्रॉफी से लेकर दीवारों पर वोट की अपील, और तो और आम आदमी की विशेष कम बजट वाली थाली ग्राहकों को खासी आकर्षित कर रही है। नाम के हिसाब से जैसे साफ सफाई वो भी बहुत ही अच्छा है। आम आदमी पार्टी इस समय बनी हुई है और आम आदमी पार्टी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे खाना परोस रहे हैं, व्यंजन परोस रहे हैं। अच्छा अच्छा, अट्रैक्टिव लगा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। एक आम आदमी के लिए इन्होंने खाना जो रखा है एक आम आदमी के बजट के अंदर ही रखा है। रेस्टोरेंट संचालक का आम आदमी पार्टी से लगाव दिल्ली चुनाव के दौरान हुआ, और जब अरविंद केजरीवाल ने बनारस से ताल ठोकी तो इन्होंने भी आपके मुताबिक माहौल देने की सोची और खाने की दर इतनी कम रखी कि आम लोग खाना खा सकें। अच्छा भी हो, आम आदमी देखिए आज जनता विश्वासी आदमी है, वोट करने की अपील भी करें, वोट करने की अपील करेंगे, सबको वोट करे, वोट या किसी को करे बल्कि वोट करे, वोट कोई न छोड़े, वोट करे। प्रचार का पैंतरा यही खत्म नहीं होता। बनारस की सड़कों पर अगर आपको कुछ महिलाएं अन्य महिलाओं के हाथ पर मुफ्त में मेहंदी रचाती मिल जाएंगी तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये महिलाएं बीजेपी महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हैं। मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट बनारस के लिए अच्छा काम, बनारस के लिए आगे अच्छा करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि आज बाजारवाद का दौर पैकेजिंग और मार्केटिंग का है। जितनी अच्छी किसी चीज की पैकेजिंग या मार्केटिंग होगी वो चीज उतनी ही बाजार में बिकेगी और सुर्खियों में भी बनी रहेगी। चुनाव इससे अछूता नहीं। समय के लिए वाराणसी से रोशन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।